ये उन दिनों की बात है। नए जूते कहाँ गए नैना जी? चूहे खा गया होगा। नहीं 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 नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे आज किसी ने दोहा नहीं लिखा? ओ नैना के भाई, इधर आ। अबे जल्दी आ। अब तू ये बता कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छा दोहा कौन सा है? अरे बोल दे। ये उन दिनों की बात है। कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अरे ओ दोहा की एक्सपर्ट, जरा बताना इसका मतलब क्या है? समीर ने दोहा मेरा मजाक उड़ाने के लिए लिखा था, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। उस दिन तो मुझे यही लगा कि समीर ने मुझे तसल्ली देने के लिए लिखा है कि इट्स ओके नैना, होता है। नमस्ते टीचर। नमस्ते, बैठ जाइए। कल जो मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यस मैडम। हाँ बोलो, क्या पूछना है? मैडम मुझे ये पूछना है, मैं दो दिन पहले चप्पल पहन के आया था तो हमारी हेड मॉनिटर ने मुझे पनिशमेंट दिलवाई थी, और आज खुद चप्पल पहन के आई है, तो रूल्स तो सबके लिए बराबर है ना मैडम जी? हाँ यार, बात तो बात है, इसमें क्या? शांति शांति। कहाँ है शांति टीचर? नैना, तुम हेड मॉनिटर हो ना, तुम ये करोगी? जवाब दो, क्या कारण है? किसी और ने अगर ये किया होता तो मैं उसे वार्निंग देकर छोड़ देती, लेकिन तुम अनुशासन की रक्षक हो, और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे चलेगा? देख रहे हो भाई, देख रहे हो, गलत बात है यार। शांति शांति। कहाँ शांति टीचर? नैना, तुम क्लास से बाहर जाकर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ ताकि सब देख सके कि नियम सबके लिए एक समान है और यहाँ पर अनुशासन में कोई समझौता नहीं होगा। अभी तो ये बात प्रिंसिपल तक जाएगी और जब वो नैना को सजा देंगे तब होगा मेरा बदला पूरा। अरे नैना, तुम्हें सजा मिली है, कमाल है। पेन, घड़ी और ये चाबी। एक मिनट। हाँ पूजा, शाम के लिए चने भिगोए कि नहीं? मम्मी मैं सिर्फ भिगोऊंगी, बनाऊंगी नहीं। बनाओगे आप? अरे अगर बना के प्रैक्टिस नहीं करेगी तो ससुराल में क्या करेगी? मैं आऊंगी बनाने क्या? हुँ? ये लड़की भी ना। आज किसी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, किसी की शादी में जाना है? कल मैं रमी की गेम हारा था ना, तो मैं तुम्हें आज खाना खिलाने बाहर लेके जाऊंगा। अच्छा, बोलो कहाँ चलोगी? मुझे सजा तो मिली थी पर वहीं घर पर मुझे एक इनाम मिलने की तैयारी भी थी, और कमाल की बात यह है कि मेरी सजा और मेरा मजा दोनों ही समीर से जुड़े हुए थे। नैना, कभी कभी होता है ऐसा, और तू ये सब छोड़ना, कैंटीन में चल, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, चल। नहीं मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। हाँ हाँ, क्लास के बाहर खड़ी हवा जो खा लिए, पेट तो भर ही गया होगा। अरे चलो चलो।
खाना खा के आते हैं, हमें थोड़ी हवा खाई है। नैना तू ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, और वैसे भी हाथी के पीछे कुत्ते तो भौंकते रहते। उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ यार, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, ऐसे कैसे जूते खो सकते हैं। अब तो ये सब बातें छोड़, चलना खाना खाने, बहुत भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है, तू जा। आज तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे ताई जी ने। मेरी प्यारी बहन, ला दूंगा ना मैं तेरे लिए नए जूते, ठीक है? चल मूड खराब मत कर। नहीं भैया, पापा आपको डांटेंगे, वो भी मेरी वजह से। अरे मैं तेरे लिए डांट तो क्या, तेरे लिए जूते भी खा लूंगा, पर अब मैं तुझे नए जूते दिला कर रहूंगा। चल अब हंस, हंसना। अरे हंसना बंद रही हो भैया, आप भी ना। चुपचाप खाना खा, कैसी सूख गई है। नैना अब तो चलेगी ना कैंटीन? चले यार, काश मेरा ऐसा भाई होता, तुम कभी ऐसी रोती हुई शक्ल नहीं बनाती, कितनी लकी है तू। अब चल कैंटीन में। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ए भाइयों, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, गरम गरम समोसे। और भाई गर्मा गरम समोसे जैसी ना कोई चीज नहीं, और गरम गरम बदले जैसी भी कोई चीज नहीं, क्यों समीर? समीर वुडफोर्ड पिएगा? मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग कोला पीता हूँ बॉस। भाई मैं तो रसना पीता हूँ, और बोलता भी हूँ सैड वाली लड़की की तरह। कौन सी यार? अरे वही जिसमें वो बच्ची ऐसे बोलती है। कैसे? I love you रसना। एक बार और करना, कैसे कैसे करना? किया नहीं। अरे भाई करना एक बार, लास्ट बार। कर 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 कर। I love you Rasna. I love you Naina. रसना बेबी, तब पूरे इंडिया में वो बच्ची वर्ल्ड फेमस थी। खैर वो छोड़िए, पर वो ऑरेंज रसना उसी पल से मेरा फेवरेट हो गया, क्योंकि मजाक में ही सही समीर ने शायद मेरे सामने पहली बार कहा आई लव यू नैना, उप्स आई लव यू रसना। पर मैंने तो उसमें रसना सुना ही नहीं था। अरे यार आज का समोसा खा के मजा आ गया। आप लोगों के पिछले महीने के ही 12 रुपए उधार बाकी हैं। 12 रुपए? पंडित तूने पैसे नहीं दिए? अरे यार मुझे लगा तू देगा। नहीं तू तो कर दे, मैं दूंगा, दिया क्यों नहीं यार? तुझे देने चाहिए थे ना यार। अरे मेरे को लगा तू देगा। सच्ची क्यों नहीं दिया? तीन प्लेट समोसे और लाना। ठीक है। समीर की ये दिलदारी देखकर वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। सारी बिली? ये क्या कोई नई टीचर आए हैं? कल भी मैंने देखा था। अरे लाइब्रेरियन है, जब कभी लाइब्रेरी जाओगे तो पता चलेगा ना। लेना, मुझे कुछ किताबें रखनी है स्कूटर ग्रिल की। ये मेरा टिफिन है, अपने बस्ते में रख लेना। अरे पर ये लाइब्रेरियन बाबू टीचर की चमची के पास क्यों गए? चमची के वो परम पूज्य पिताजी श्रीमान राकेश सर है। ओ, ये चमची के पापा हैं।
ओह नो, क्या हुआ? कल इन्होंने मुझे स्कूटर के पास देख लिया था। ओह नो, अगर वो स्कूटर से जूते निकल गए तो? हाँ, स्कूटर जूते सब क्या है भाई? कल मैंने इसके जूते चोरी किए थे, छुपाने को जगह नहीं थी तो लाइब्रेरी के बगल में एक स्कूटर खड़ा था, वो जूते मैंने स्कूटर की डिग्गी में डाल दिया। लाइब्रेरी के पास तो राकेश सर का ही स्कूटर खड़ा होता है। मतलब बेटी के जूते बाप की स्कूटर की डिग्गी में? मारे गए भाई, मारे गए। एक काम करता हूँ, मैं भाग के जाता हूँ और जूते गायब करता हूँ, तब तक तुम लोग इन्हें बातों में फंसा के रखो, ठीक है? ठीक है, भाग भाग जल्दी, भाग 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 भाग। अरे यार चुप कर तू। सुनो सुनो सुनो, किसी को हनुमान चालीसा आती है? हनुमान चालीसा? अरे यार पूरी नहीं आती है। अरे भाई मुझे आती है। सुनना पंडित, मेरे लिए पढ़ते रहना। ठीक है भाई। थैंक यू यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्तुति लोक जाकर, रामदूत अलिख प्रणाम, अंजनी पुत्र पवन जत नाम, महावीर विक्रम बजरंग की। राकेश सर, राकेश सर। क्या हुआ? सर वो स्पोर्ट्स वीक मैगजीन आई क्या सर? क्यों, यहाँ ला के दूँ? लाइब्रेरी में आके खुद चेक करो। सर सर वो सर मेरे पैर में चोट लगी है तो हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, अगर आई है तो हम ऊपर आके चेक कर लेते सर। पैर में चोट लगी है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा सर, बोला ना डॉक्टर दिखाओ। सर मत खा मेरा। कौन से डॉक्टर के पास? सर 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 कौन से डॉक्टर? सर सर गए। हाय, ये तो मेरे जूते हैं ना? हाँ, तुम्हारे तो नए जूते है ना? तुम्हें कहाँ मिले? मुझे बाहर झाड़ियों में पड़े हुए थे, मैंने सोचा तुम्हें दे दूँ। सच्ची मेरे लिए? नहीं तो क्या, इसे मैं पहनूंगा। वैसे जूते हैं या कटी पतंग, दो दिन में एक बार बिके और दो बार चोरी भी हो गए। दो बार? पहली बार दुकान पे और दूसरी बार कल, है ना? तुम्हें सब याद है। तो क्या भूल जाना चाहिए? हाँ, नहीं मतलब मैं कह रही थी कि अब ओके ओके, ये लो तुम्हारे नए जूते, तुम्हें मुबारक हो, बाय। हाँ रे। समीर ने ही जूते चुराए और दोबारा छिपाने के चक्कर में मुझसे टकरा गया, और मैं समझी कि समीर ने एक बार फिर मेरे जूते लौटा दिए। दो बार ये जूते मिले समीर के ही हाथों से। सच कहूं ये जूते आज भी हैं मेरे पास। चाची जी, ताई जी कहां गई हैं? अभी सुमर में कहां जाएंगी, गई होंगी भजन करने के लिए। वैसे तू इतना जल्दी कैसे आ गया? मिल गए मुझको जूते, मिल गए, ओ ओ मिल गए। चाची जी, मुझे मेरे खोए हुए जूते वापस मिल गए। तो तेरे जूते वापस मिलने की खुशी में आज हम लोग लॉ गार्डन चलते हैं खाना खाने, ठीक है? खुद की बेटी के लिए जुमाई मिल नहीं रहा और जूते मिलने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। मिल जाएगा बेटा, तेरे लिए तो सबसे अच्छा लड़का मिलेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, उनके घर देर है पर अंधेर नहीं। वो दिन अच्छे इत्तफाकों से भरा हुआ था। पहले समीर के हाथों से जूते मिल गए और फिर
ला गार्डन में खुद समीर भी, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब ला गार्डन में 4 से 5 जान पहचान वाले मिल ही जाते थे। नैना सुनना, हम सबसे पहले चाट खाएंगे और उसके बाद रगड़ा पैटिस। हाँ पूजा दीदी, आपको पाव भाजी खानी है? ना बाबा ना, मैं पाव भाजी नहीं खाऊंगी। पाव भाजी खाई तो मैं मोटी हो जाऊंगी और फिर मुझसे शादी कौन करेगा? चाची जी, एक नई डिश आई है, उसका नाम है पिज्जा, वो ट्राई करते हैं आज। उस वक्त मार्केट में ये एक नई डिश का आगमन हो चुका था, पिज्जा। तब पिज्जा हट या डोमिनोज का नहीं, पर अपना एकदम टिपिकल अहमदाबादी पिज्जा। अहमदाबाद के मीठे गुजराती लोग पिज्जा पर भी काजू किशमिश डाल के खाते हैं। ये पिज्जा है? हाँ। इतना अजीब सा, और ये काजू किशमिश कौन डालता है पिज्जा में? अरे स्पेशल है यार, अहमदाबाद का स्पेशल पिज्जा, ये खास का टेस्ट बदल लेंगे। 4 मीनार के साथ, वो भी जैकी श्रॉफ स्टाइल में। फुल ऑन मर्दानी वाली निशानियां। अरे हमें पिज्जा पिज्जा समझ में नहीं आता है, हम तो जो खाने आए हैं वही खाएंगे, पानी पूरी और पाव भाजी। हाँ ये तो रोज ही खाते हैं। वाले भैया की पानी पूरी बहुत खास है। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और चलो, वहाँ कुछ लफंगे सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट के धुएं से कैंसर होता है। हाँ? सिर्फ धुएं से भी? हाँ। चलो यहीं पे खाते हैं ना। भगवान झूठ ना बुलाए, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। कितने पैसे हुए? अच्छा तूने पहली बार कब ट्राई की? हॉस्टल में एक दोस्त ने सिखाई थी। नैना यहाँ कहीं ये प्रिंसिपल से तो नहीं बोल देगी? तू डर मत, स्कूल की मॉनिटर है, पूरे अहमदाबाद की नहीं। प्रीति, प्रीति, तुझे पता है चाचा जी कह रहे थे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुमन भी यही कहती है। कौन सुमन? वो मानी गली वाली? नहीं, मैंने प्यार किया वाली, उसमें भी तो सुमन प्रेम से यही कहती है ना। तुझे पता है मैंने आज समीर को सिगरेट पीते हुए देखा। समीर? कौन समीर? अरे वो ही लड़का जो मेरे जूते ले आया था। मैंने आज उसे लॉ गार्डन में सिगरेट पीते हुए देखा। तो तुझे क्या? मुझे क्या? मैं तो बस बोल रही हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि उसने तेरे जूते तुझे वापस कर दिए, वरना ऐसे लफंगे लड़के जूते बेचकर उन्हीं पैसों से सिगरेट फूंक डालते हैं। वो लफंगा नहीं है। हाँ मतलब सच्ची, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि सिगरेट इतनी बुरी चीज है, वरना थोड़ी ना पीता। उसे बताना पड़ेगा। उसमें बताना क्या है, सिगरेट के पैकेट पे भी तो लिखा होता है। अरे लेकिन उसने मेरी मदद की थी तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए ना, गंदी आदत छुड़ाने के लिए। तो सोच, मैं सो रही हूँ।
अरे भाई राकेश बाबू, आपके अर्जुन की क्या खबर है भाई? कैसे चल रही है उसकी बल्लेबाजी? बहुत अच्छी चल रही है। और आपको पता है पिछले दिल्ली वाले मैच में मैन ऑफ द मैच था मेरा अर्जुन। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। जी हाँ, आखिर बेटा किसका है? और मैं सच कह रहा हूँ अवस्थी जी, अगर मेरे अर्जुन को चांस मिलेगा ना तो वो जो नया लड़का आया है आजकल, वो इंडिया टीम में बंबई का घुंघराले बालों वाला, क्या नाम है उसका? सचिन तेंदुलकर। हाँ वही सचिन तेंदुलकर। उस दिन मेरा अर्जुन सचिन की छुट्टी कर देगा। अरे भाई बेटा ही क्यों, आपके तो दोनों बच्चे होनहार है। अब देखिए ना, प्रिंसिपल साहब ने नैना को पूरे स्कूल की हेड मॉनिटर बना दिया है। अब ये भी तो कोई छोटी बात नहीं है ना। परेशान तो बेटों से होती है, बेटियों से नहीं। उस वक्त कुछ भी ढूंढने के लिए गूगल नहीं था, लाइब्रेरी में जाकर बुक्स ही ज्ञान देती थी। नैना, आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइब्रेरी में ही तो हूँ, इतना क्या घबराना। पर अगर सिगरेट स्मोकिंग से लड़के मुसीबत में पड़ सकते थे तो मेरे हाथ में भी तो स्मोकिंग वाली किताब थी। उन दिनों के लिए ये भी बड़ी बात थी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.